अमूमन ऐसा माना जाता है कि पुरानी इमारतें भूतों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां भूतों ने उन जगहों को अपना ठिकाना बना लिया जहां भारी संख्या में लोग आते जाते हैं। भूत प्रेतों को लेकर तमाम कहानियां सामने आती है। इन्हीं में से आपके लिए हम कुछ वो कहानियां लेकर आए हैं जहां भूतों ने अस्पतालों को अपना निशाना बनाया। यहां देखें दुनिया के वह 5 डरावने और भयावह अस्पताल जिनकी कहानियां आपकी नींद उड़ा देंगी। नॉकटन हॉल अस्पताल। ये अस्पताल इंग्लैंड के लिंकविन में बना हुआ। इस अस्पताल से जुड़ी कहानियां आपको हैरत में डाल सकती है। साल 1841 में यह अस्पताल पूरी तरीके से जल गया था। इसके बाद दोबारा इसका निर्माण किया गया था। नॉकटन हॉल ऑफिसर नॉर्मन हॉक्सन का घर था जिसे दोबारा बनाया गया था। इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुला लिया गया था। युद्ध में भारी संख्या में लोग घायल हो गए थे जिसको देखते हुए ऑफिसर हॉक्सन ने अपना घर देश की रिसर्च टीम को दे दिया ताकि घायलों का इलाज हो सके। युद्ध से लौटने के बाद ऑफिसर ने इस घर को विमान मंत्रालय को बेच दिया। मंत्रालय ने इस बिल्डिंग को RAF अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। आसपास के लोग इलाज के लिए यहां आने लगे। इस अस्पताल के साथ रहने के लिए कुछ लॉज भी बनाए गए थे, लेकिन एक बार फिर अस्पताल की यह मीनार गल्फ वॉर के युद्ध की भेंट चढ़ गया। युद्ध के बाद से इस अस्पताल की हालत बिगड़ती चली गई। आज ये सिर्फ एक खंडहर इमारत बनकर रह गया है। तबाह हुई इस इमारत में सिर्फ घोस्ट हॉन्टर्स ही जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की की आत्मा है। कई मरीजों ने शिकायत की है कि उन्होंने सुबह 4:30 बजे लड़की की रोने की आवाज का सुनी जो किसी बुरे इंसान के बारे में चिल्ला चिल्ला कर रोती है। कहते हैं यह किसी अमीर शख्स की नौकरानी थी जिसका बलात्कार करके उसे मार दिया गया था। मारने के बाद उसको इसी अस्पताल में दफनाया गया था। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी बताया कि इस अस्पताल में कई सैनिकों की आत्माएं एक अधेड़ उम्र की महिला साथ घूमती है, इसलिए आजकल वहां वो ही लोग जाते हैं जिन्हें भूतों का अनुभव लेना होता है। ओल्ड चंगी अस्पताल सिंगापुर के चंगी शहर में बना हुआ है। ओल्ड चंगी अस्पताल। इस अस्पताल की इमारत को साल 1935 में बनाया गया था जो कि शुरू में रॉयल एयरफोर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी। साल 1942 में जापान के लोगों ने इसे छीन लिया और यही वो वक्त था जब इस अस्पताल की भूतिया कहानियां बाहर निकल कर आईं। जापानियों ने इस इमारत को कुख्यात अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और बेस में तब्दील कर दिया। यहां जापान विरोधी लोगों को भयंकर यातनाएं और सजाएं दी जाती थी। एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक इस जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। उसने बताया कि वहां एक टॉर्चर रूम है जहां लोगों को जंजीरों से बांधकर जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था। उसके कान में लकड़ी की कील ठोक दी गई थी जिसकी वजह से वो स्थायी रूप से बहरा हो गया था। युद्ध के बाद इस इमारत को दोबारा अस्पताल बनाया गया, लेकिन यहां लोगों के चिल्लाने की आवाज और भूतिया हरकतों की वजह से इस इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कई घटनाएं सामने आईं जिसके बाद इसे सिंगापुर की सबसे डरावनी बिल्डिंग करार दे दिया गया। केम्पटन पार्क अस्पताल। साल 1976 में इस अस्पताल को साउथ अफ्रीका में खोला गया था, लेकिन 1997 में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। एकाएक बंद होने की वजह से इस बिल्डिंग में कर्मचारियों और मरीजों को छोड़कर सब छूट गया। तभी से यह अस्पताल भूतिया घटनाओं की जांच पड़ताल का ठिकाना बन गया। इस अस्पताल को 24 घंटों निगरानी में रखा जाता है। इस अस्पताल के फ्लोर पर आज भी ढेर सारा खून देखा जा सकता है। उस कमरे का दृश्य और भी भयानक है जहां मृत शरीरों को रखा जाता था। यहां कई आत्माओं के होने का दावा किया जाता है। किन परिस्थितियों में इस अस्पताल को बंद किया गया था यह आज तक किसी को नहीं पता है। टॉन्टेन स्टेट अस्पताल। इस अस्पताल का निर्माण साल 1854 में मैसाचुसेट बनाया गया था। इस अस्पताल को पागलों और दिमागी रूप से विक्षिप्त मरीजों के लिए बनाया गया था। कहते हैं इस अस्पताल को पागलों का डंपिंग ग्राउंड समझकर छोड़ दिया गया है। बताया जाता है कि इस अस्पताल में मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इमारत के तहखाने में ऐसी कई मशीनें मिली। एक रिपोर्ट में सामने आया कि यहाँ के कर्मचारी मरीजों को मारकर उनके खून से दीवारों पर आकृतियां बनाया करते थे।
अस्पताल परिसर के आसपास घने जंगल और कब्रिस्तान है, जो इसे और डरावना बनाता है। इस इमारत के एक हिस्से को आज भी इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोंजियम साइकेट्रिक अस्पताल। यह अस्पताल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में है। इस अस्पताल को साल 1990 में बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर अपने मरीजों की मौत का कारण ढूंढने में नाकाम रहे थे। इस अस्पताल को लेकर एक अफवाह जुड़ी है कि यहाँ का मालिक संकी था, जो अपने मरीजों को कैद कर लेता था और उन्हें पिंजरे में कैद करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। कहते हैं उन्हीं मरीजों की आत्माएं इस अस्पताल में घूमती है, जिनके रोने और चिल्लाने की आवाज कई बार सुनी जा चुकी है।